हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न ENV चैप्टर नंबर 3, लश ग्रीन वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें ट्रीज, श्रब और क्लाइंबर के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप्स के ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, श्रब होते हैं, कौन सा फ्रूट और कौन सा वेजिटेबल कहाँ पर कैसे ग्रो अप होता है, किस में ग्रो अप होता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो लश यानी कि रसप्रद, यानी कि मज़ेदार। अच्छा, तो लश ग्रीन वर्ल्ड, तो इसमें हमें ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल इन द कलर्स, ड्रॉ अ पिक्चर ए ट्री एंड कलर इट। तो यहाँ पर आपको बॉक्स है, वहाँ पर आपको ट्री की पिक्चर ड्रॉ करनी है। अभी आगे देखते हैं। देखो, थिंक एंड राइट एट द नेम योर फेवरेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। यहाँ पर आपके जो फेवरेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो यहाँ पर लिखने हैं। देन यहाँ पर आपको 3 कॉलम दी गई है। फर्स्ट है ट्री, सेकंड वन है श्रब और थर्ड वन है वो है क्लाइंबर। तो ट्रीज किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं और क्लाइंबर किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन दी गई है। रीड एंड थिंक, द प्लांट्स विच आर स्मॉल एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन आर कॉल्ड श्रब। श्रब यानी कि जो हमारे घर पे थोड़े से छोटे से जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से जो छोड़ होते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्रब, है ना। ओके एवरीवन, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, उसका पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है। ओके, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। देन सेकेंड क्या है, द प्लांट्स विच आर वेरी बिग एंड हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो ट्रीज होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लॉन्गर लाइफ स्पैन होते हैं। सपोज बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 6 मंथ या 1 ईयर रहेंगे, वो सालों तक वहाँ पर ही एक ही जगह पर रहेंगे। तो जो श्रब होते हैं वो छोटे शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और जो ट्रीज होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ओके एवरीवन, द प्लांट्स विच क्रीप ऑन लैंड और नीड सपोर्ट ऑफ अदर टू क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर। अभी जो ये जो क्लाइंबर है, यानी कि वेल हम जिसे बोलते हैं, तो ये जो उस पर जो आता है तो उसको ग्रो अप होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, तो ही वो ग्रो अप हो सकती है। यहाँ पर हम सारे एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंगो है, तो मैंगो ट्री है, तो वो बहुत सारे लॉन्गर लाइफ स्पैन उसका होगा। ओके, फिर नीम है, बनियन है, वो सारे जो ट्रीज है वो लॉन्ग टाइम के लिए होंगे। फिर आगे देखो, लेमन है, तुलसी है, वो उसके क्या होंगे, श्रब यानी कि छोड़ होंगे उसके, तो वो बहुत सारे सालों के लिए नहीं होंगे, या तो 6 मंथ या तो 1 ईयर। ओके एवरीवन, एंड देन मनी प्लांट है, कुकुम्बर है, तो उसका क्या होगा, क्लाइंबर। ओके, तो उसको सपोर्ट, उसको ग्रो अप होने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ही वो ग्रो अप हो पाएंगे। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ट्रीज किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं और क्लाइंबर किसे कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, टेक इम्प्रेशन ऑफ डिफरेंट लीव्स। यहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होते हैं उसकी इम्प्रेशन यानी कि उसकी छाप लेके यहाँ पर करना है। ओके, यहाँ पर उसकी छाप लेनी है। सपोज रोज है, तो उसका जो लीव्स है उसकी इम्प्रेशन डिफरेंट होगी। देन मैंगो ट्री का आप लीव लोगे तो उसकी जो इम्प्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो सारी जो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स है उसकी इमेज आपको यहाँ पर, इम्प्रेशन जो है वो आपको इधर लेनी है। ओके एवरीवन, आगे देखते हैं। देखो, लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स। अभी इसमें हमें प्लांट्स के यूज़ के बारे में आपको लिखने को बोला है, तो यहाँ पर मैंने 3-4 सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हो। ओके एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ अवर फूड। जो प्लांट्स है वो हमारे फूड का मेन सोर्स है। मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो बहुत सारी जो मेडिसिन है वो
हमारे प्लांट्स से बनती है। फॉर एग्जांपल हम तुलसी ले ले कि जो तुलसी है उससे बहुत सारी मेडिसिन, जो हमें बुखार आए तो खांसी आए तो तुलसी का पत्ते का यूज़ करके हम वो ठीक कर सकते हैं ना। तो वन टाइप ऑफ मेडिसिन जो तुलसी है वो, तो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स है वो हमें यूज़फुल है मेडिसिन के लिए। प्लांट्स गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन, कॉटन प्लांट्स हमें कॉटन यानी कि कॉटन कपड़ा बनाने में यूज़फुल है, कॉटन देती है जो प्लांट्स है वो। प्लांट्स मेंटेन द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर होता है वो मेंटेन करता है कौन, तो कि प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उसके घर का उसका घर, जो एनिमल्स होते हैं उसका घर बनता है, तो वो प्लांट्स के नीचे रहते हैं, प्लांट्स के सराउंडिंग जो एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं। ओके आगे देखते हैं। मेज इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के अलावा सारे कंट्रीज में मेज यानी कि मकई सारे कंट्री में अवेलेबल है, सारी कंट्रीज में मकई का सेलिंग होता है। ओके मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर इन मध्य प्रदेश इन इंडिया, बहुत सारे जो जंगल जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मोर देन 188 लाख हेक्टर ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इन गुजरात, गुजरात में जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, जो खेत के लिए जो भी लैंड यूज़ होती है वो कितनी लैंड यूज़ होती है, तो 188 लाख हेक्टर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल होती है। ओके हमारे गुजरात में इन बनियन ट्री नामेद कबीरवाड़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन साउथ गुजरात, जो साउथ गुजरात में नर्मदा के पास कबीरवाड़ है वहाँ पर बहुत बड़ा बनियन ट्री है, उसका नेम भी है वो क्या है, कबीरवाड़ नाम का बनियन ट्री है साउथ में। इज सो हज दैट इज डिफ़िकल्ट टू लोकेट इट्स मेन ट्रंक, वो इतना बड़ा है कि उसकी मेन ट्रंक ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी है। ओके तो ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप रीड कर लेना। ओके थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।